पल्लवी पुरी को जमानत मिलने पर जो ऑर्डर कॉपी सामने आई है उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे ये साफ हो जाता है कि क्या वाकई में पल पर लगाए गए आरोप जो उनकी माँ कह रही थी कि मैं वहां मौजूद थी, कुछ भी नहीं हुआ, इन सारी चीजों का जिक्र जो है उस ऑर्डर कॉपी में है। ऑर्डर कॉपी में जमानत देते हुए लिखा गया है कि दोनों पक्षों की तरफ से दलीलों के बाद पल की मेरिट पर जमानत अर्जी मंजूर की जाती है और आवेदक के खिलाफ लगाए गए आरोप काफी अस्थिर हैं। जी हाँ, उन पर लगाए गए आरोप काफी अस्थिर हैं। पल के मामले में लड़की की मां का बयान और बच्ची के स्टेटमेंट में पाई गई कमियां उनकी जमानत के पीछे अहम कारण साबित हुए हैं। तो टीवी 9 की खबर के अनुसार बच्ची के स्टेटमेंट में कुछ कमियां पाई गई हैं जिसकी वजह से ना सिर्फ बच्ची बल्कि मां के बयान की स्टेटमेंट में कमियां पाई गई और उसी की वजह से उन्हें जमानत दी गई। उनके वकील ने अपनी आर्ग्यूमेंट में कहा कि इस पूरे मामले के पीछे पीड़िता के माता पिता के बीच खराब संबंध है। आरोपी पीड़िता की मां का सलाहकार था, यानी कि बच्ची की मां जिससे सलाह लेती थी वो पल थे और इसी वजह से पिता ने पल पर आरोप लगाए हैं। वो पीड़िता को जानते थे। अब तक यानी कि 24/9/2019 को रिपोर्ट दर्ज करने के बाद से जांच अधिकारियों ने संबंधित गवाहों के बयान दर्ज किए हैं जिसमें पीड़िता की मां का बयान बेहद जरूरी है और पीड़िता की मां ने इस बात से इनकार किया है कि सेट पर ऐसा कुछ हुआ था। इतना ही नहीं, ये भी कहा गया है कि मां के साथ साथ पीड़िता के केयर टेकर का बयान भी दर्ज है, उसने भी इस बात से इनकार किया है। बच्ची के साथ किसी भी समय कोई ऐसी घटना नहीं हुई। इन गवाहों के बयान और नौकरानी के बयान से पता लगता है कि पीड़िता के माता पिता के बीच विवाद चरम पर था और बच्ची के पिता बच्चे को जबरदस्ती अपने साथ ले गए थे। तो ये सब कुछ जो है कोर्ट की दलीलों से सामने आया है कि और उसी सारी चीजों के बाद जो है कोर्ट जमानत देने पर राजी हुई। लेकिन एक बहुत बड़ी बात जो और सामने आई है वो ये है, पल के वकील ने इस पहलू पर जोर दिया है कि रिपोर्ट अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ दर्ज की गई है। हालांकि पीड़िता ने आरोपी को रणवीर भैया के रूप में पहचाना था लेकिन वह उनके किरदार का नाम था। ऐसी परिस्थितियों में या तो यह गलत पहचान का मामला भी हो सकता है। तो उनका ये कहना है कि वो पल को उसने तो पहचाना ही नहीं था, उसने तो रणवीर भैया बोला था जो उसके कैरेक्टर का नाम था। हालांकि जो उनके पिता ने स्टेटमेंट इशू किया था उसमें भी यही बात थी कि कैरेक्टर को पहचाना था। तो अब पल के वकील का ये कहना है कि हो सकता है कि उसने जो है पहचानने में गलती की हो और जो है उसने सही नहीं पहचाना हो। तो इन सारी चीजों के जो है दलील दी गई उस दिन कोर्ट में जिसके बाद पल को जमानत मंजूर हुई है। जिसमें मेन बातें जो आ रही हैं पल के वकील की ओर से जिन बातों के दावे किए गए हैं वो ये है कि जो मामला है पूरा बच्ची की स्टेटमेंट है उसमें बहुत सारी कमियां हैं और माँ और बच्ची की केयर टेकर ने भी इनकार किया है। और जो बच्ची की केयर टेकर है उसने ये भी बताया कि जो दोनों का झगड़ा था वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था और बच्चा जो का जो पिता है वो बच्ची के जबरदस्ती जो है उसको अपने पास रखना चाहता था। तो इन सारी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए पल को जो है बेल दी गई।